अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं चम्मच से निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरेया किचन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पे चने को ले लिया है, अब इसको उबालेंगे। इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब इसको उबाल लेंगे 10 मिनट के लिए। हमारा उबल चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे पानी सोखने के लिए और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पतीला लेंगे और उसमें ऑयल ढाल के ऑयल को गर्म होने के लिए रखेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें अनियन डाल देंगे। इसको चम्मच से थोड़ा हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए अनियन को फ्राई होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर हो गया है, फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें चना डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जीरा खसखस का भी पेस्ट डाल के अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। जीरा खसखस का पेस्ट डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी इसे जरूर डालें। अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इन सबको डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को हमने इस साइज में ही काटे हैं। अब इसमें कटा हुआ टमाटर भी डाल के अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूनने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। अभी इसको बार बार हिलाते रहना है। थोड़ी देर हो गया है, अब इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्मच और अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। धनिया पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको इसी तरीके से हिलाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए ऊपर के लिंक को क्लिक कीजिए और वॉच कीजिए। ऐसे ही चम्मच से हिलाते रहना है और 2 मिनट के लिए पका लेना है। 2 मिनट हमारे हो गए हैं, अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पका लेंगे। 10 मिनट हमारे हो गए हैं, अब मैं ढक्कन को खोल के देख लूंगी। अब इसमें 1 चम्मच होममेड मसाला डाल दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर इसकी रेसिपी देखना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, वहाँ जाके आप इस रेसिपी को देख सकते। अब इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखिए, हमारे चने की सब्जी रेडी है। देखने में ये कितना बढ़िया लग रहा है, उतना ही खाने में टेस्टी है। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। माशाल्लाह आपके परिवार वालों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसे रोटी और पराठा दोनों के साथ सर्व कर सकते। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए मैं अपना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।